हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग उठ गए हैं और सुबह के बजाय है 8:30। आज तो मैं थोड़ा सा लेट भी हो गई हूँ। आज क्या घर में की ना किचन कल साफ सफाई कर रहे थे, थोड़ा लेट हो गए थे सोने में और थोड़ा थकावट भी हो गई थी। उठने में काफ़ी टाइम हो गया, इधर चलते हैं नीचे क्या हो रहा है। खाना भी बनाना है। बनने लगा तो लग रहा है घर अजीब सा। बढ़िया वाली घर की याद आने लगी है ना। हे गाइस, तो सुबह का आपको जो खाना रहता है, चाय वगैरह और खाना वगैरह, मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है क्योंकि आज थोड़ा सा घर को क्लीन करना है। क्योंकि कल ही ना किचन में हमने पेंट हुआ था, बहुत ज़्यादा काफ़ी काम रह गया है। ठीक है, तो वही मैंने सोचा फटाफट खाना का कर ये साफ सफाई कर लेते हैं क्योंकि दिवाली के 2 या 3 दिन बचे हुए हैं। हम लोगों को साफ सफाई भी करना क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, 1-2 दिन ही बचे हैं। उसके बाद फिर शॉपिंग भी करना, बहुत सारा काम है। तो वही मैंने सोचा सुबह से ही काम शुरू कर देते हैं। तो सभी लोगों के वैसे दिवाली का काम स्टार्ट हो गया होगा। इस बार हमारा ज़्यादा काम रहा क्योंकि हम लोगों का किचन थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, तो किचन को पेंट किया था इस कारण से। तो अभी घर पर तो मतलब सभी लोग सो रहे हैं, आपसे ग्रंथ के पापा के लिए सो रहे हैं। ग्रंथ उठ गया मामा के साथ, दूध का पैकेट लेने गया है और आरती भी है, यही ऊपर ही होगी, कुछ कर रही होगी। और हम लोगों का काम भी पूरा कम्प्लीट हो गया है। टाइम हो रहा है 10 बजे है अभी, और हम लोगों को करना है अब पूरी साफ सफाई क्योंकि बहुत सारे कंटेनर हैं जो धुलना है और कुछ अनाज वगैरह रहता है वो धूप में डालना है, ये सारा काम है। अब मैंने सोचा सबसे पहले मैं सुबह का काम कर लेती हूँ, जो घर से क्लीन रहेगा। ग्रंथ भी खेलता रहता है तो वही मैं ऊपर आ गई हूँ, अपना बेडरूम को सही कर लेती हूँ, ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके बेड शीट सही कर लेती हूँ। तो ग्रंथ थोड़ी सी मस्ती करने लगा है, उसको ना वो क्या कर रहा है बताया, जैसे मैं करती हूँ ना कैमरे को सेट करती हूँ, यानी कि मोबाइल के कैमरे को सेट करती हूँ, तो वो वही स्टैंड को ऊपर नीचे कर रहा है, कैमरे को सेट कर रहा है, चालू बंद कर रहा है। मेरे पास एक फ़ोन नहीं होता मैं उसको सेट कर लेती, और ये वाला रूम भी करना है, पूरा फैला हुआ है, बहुत सारा काम है यार। मैं तो ये सोच के ही परेशान हो रही थी। ये चल रहा है मेरा देखिए, कभी मैं लगा लेती हूँ अपने बहुत अच्छा लगता है। और ये गर्म का चल रहा है खेल, उनका स्टाइल सेट है। अभी टी वी मन नहीं है, वरना मुझे आजकल कुछ नहीं देखने देता है। काफ़ी ज़्यादा फैला है घर। ये आप किचन देखिए, किचन का मटेरियल यहाँ डला हुआ है, और ये किचन देख सकते हैं आप। ये ना हम लोगों ने पेंट किया, यानी कि ग्रंथ के पापा ने कल की, हाँ काफ़ी ज़्यादा सीढ़न हो गई थी और नीला कलर था, बट नीला कलर अच्छा भी नहीं लगता था और सीढ़न बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोगों ने ये कलर किया है। एंड अब देख सकते हैं, अब ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरा मन था कि ना ऊपर के रूमों में भी कलर करवा दें, पर टाइम नहीं है अभी, यहाँ पर सब कुछ जमाना है। काफ़ी सामान जम चुका है, काफ़ी सामान नहीं जमा है। और मैं बाहर दिखाती हूँ, धूप में रख देती हूँ क्योंकि बर्तन तो खाली करेंगे। बाहर भी काफ़ी ज़्यादा सामान फैला हुआ है। बहुत तेज वाली धूप है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मैं बहुत ज़्यादा थकी, धूप बहुत तेज है। अरे वॉशिंग मशीन में ना मैं कपड़े भी डाल देती हूँ। नहीं हूँ कि किचन का काम सब कुछ होता जाए उसके साथ साथ में, इसमें तो अभी कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ में मेरा सोचना ये है कि जो घर के भी काम हैं वो होते जाए, क्योंकि फिर ना मुझे मार्केट भी जाना है,
दिवाली की शॉपिंग भी करना है, तो दिवाली का टाइम बहुत ही करीब हो गया है। इस कारण से ये मैंने निरमा भी डाल दिया जी। यहाँ पर मैंने ये जमा दिए ट्रे, अब इनमें मैं रखूँगी थालियाँ। यहाँ पर सब कुछ हो चुका है। एक्स्ट्रा के बर्तन भी मुझे हटाना बहुत ज़्यादा पड़ा, कुछ बर्तन मैंने घर भेज दिए क्योंकि वहाँ से मटेरियल आता है तो प्रॉब्लम होती है वहाँ पर, इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा जो भी मतलब एक्स्ट्रा के कंटेनर रहते हैं वो मैंने साइड में भी रख दिए हैं, और जितना जितना काम का रहता है मैंने उतना ही लिया। अब ये ट्रे है, एक्स्ट्रा का सामान जो रहता है हम लोग ना स्टैंड में नहीं रख पाते तो इतना रख दे, जैसे तवा हुआ और अप्पे मेकर हुआ, ट्रे हुई, और कुछ एक्स्ट्रा जो थालियाँ रहती हैं बड़ी बड़ी वो भी मैं नीचे ही रख देती हूँ, क्योंकि जस्ट वह जो मैं स्टैंड लगा है निकलने में प्रॉब्लम होती है, और काफ़ी ज़्यादा सामान अच्छे से एडजस्ट हो जाता है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि अलमारी पूरी खाली ही रहती है, इसके नीचे बड़े बड़े कंटेनर रखती हूँ मैं, तो मैं सोचती हूँ यहाँ पर जमा दूँ। कुछ थालियाँ बहुत सी, जैसे बर्तन हम लोगों का एक्स्ट्रा रहते हैं, मेरी की आदत ही ख़राब है, मैं ना जल्दबाजी में बहुत सी चीज़ें ले लेती हूँ, पसंद आ जाती है, और कुछ टाइम तक तो मैं रखी खुश रहती हूँ, हाँ ले ली, फिर उसके बाद थोड़ी सी मुझे दिक्कत होने लगती है एडजस्ट करने में, और फिर काफ़ी ज़्यादा सामान हो जाता है। वैसे भी हमारा किराए का घर है तो इतना सामान मतलब बहुत ही ज़्यादा सामान हो जाता है। उस बार तो मैंने बहुत ज़्यादा सामान को साइड में किया है, यानी कि अलग किया है, जो जितना ज़रूरी काम का है उतना रखे, मतलब बहुत सामानों को मैंने साइड में कर दिया है, तो काम बहुत ज़्यादा करना भी, ग्रंथ ना ऊपर टीवी देख रहा है मुझे, उसको भी बार बार देखना पड़ रहा है ऊपर नीचे होकर, और सामान अभी यहाँ वहाँ डला भी है, मतलब कोई भी सामान कहीं भी व्यवस्थित एक सामान नहीं रखा है, और ये कुछ मटेरियल है जो मैंने सूखने रखा था, उनके कंटेनर धुलना था, तो इनको मैंने भी पन्नियों में घर के रख दिया, क्योंकि थाली इतनी थी नहीं, थालियों में सामान रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इनको एक बार और धूप में रख दे, क्योंकि धूप में रखना ज़रूरी है। उस मटेरियल में उसे छाटना पड़ेगा मुझे, क्या रखना है क्या नहीं रखना, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ही मटेरियल में रख लेती हूँ, बहुत फैलान कर लेती हूँ शौक शौक के कारण, और इतना मैं उनको रख नहीं पाती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा ना ये परेशानी बन जाती है मेरी, तो ना बहुत ज़्यादा मटेरियल देखूँगी क्या रखना है क्या नहीं रखना, इसका ज़्यादा यूज होता किसका नहीं होता। हमारे यहाँ मम्मी लोग क्या करती थी, जब हमारे घर में मतलब मेरे घर में सभी जगह जैसे कि दिवाली की साफ सफाई होती थी, तो घर का जितना भी अनाज या कुछ भी सामान रहता था किचन का घर का सबको ना धूप में रख देते थे, तो वही मैं भी यही कर रही हूँ, जो भी हमारा खाना का जो सामान रहता है जो सूखने लायक रहता है यानी कि धूप में दिखाना रहता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सारा ना प्लेट में जमा जमा के सब कुछ को रख देती हूँ, क्या धूप में रख देंगे ना तो अच्छा भी रहता है, धूप लग जाती है उनमें, और साथ ही साथ यहाँ पर जगह भी हो जाएगी अच्छे से सामान जमाने में, और कंटेनर तो सब धुलना ही है सबके, तो वही हमारे यहाँ सारी कॉलोनी में काम चल रहा है बनाने की, सबके कपड़े सब कुछ ये वो। अब दिवाली आने भी वाली है ना, 2 दिन बाद दिवाली है, मेरा भी काफ़ी काम नहीं हुआ है, पर कोशिश कर रही हूँ सारा काम करने की, अब काम हो पाता है या नहीं अब वो पता नहीं, और टाइम नहीं मिल पा रहा, इसी कारण से मैं कोई वीडियो ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग वीडियो बनाने में भी क्या हम लोगों को हाथ से तो नहीं पकड़ना पड़ता कैमरा, बट एडजस्ट करना पड़ता है। वगैरह को यहाँ वहाँ एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत से काम रहते हैं, इस कारण से मैं ज़्यादा नहीं ध्यान दे पाती, बट कोशिश कर रही हूँ मैं कि कोई वीडियो नहीं बन पा रही है तो कोई ब्लॉग ही बनाते रहूँ जो काम कर रही हूँ, और जैसे ब्लॉग बन जाता है तो एडिट करने के लिए टाइम नहीं है, तो वही
इसी कारण थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, क्योंकि फिर हम लोगों को अभी दिवाली की शॉपिंग बहुत सारा काम रहता है यार दिवाली में, तो आप लोगों को तो मालूम है। मैंने क्या, ये कुछ कंटेनर थे बहुत पहले मैंने अमेजोन से मंगवाए थे, मुझे काफ़ी सस्ते मिल गए थे, और अब तो बहुत ज़्यादा प्राइस है ये पिंक वाले कंटेनर को, बहुत अच्छे कंटेनर है। मैं क्या करती हूँ, हमारे यहाँ ना जो भी मसाला का सामान रहता है मैं पैकेज में ही रखे रहने देती हूँ, और कितने ज़्यादा कंटेनर में फैला के नहीं रखती हूँ, जितना भी यूज में जो आता है उनमें डालकर जो अदर बच्चे रहते हैं उस पिन की मदद से मैं पैकेट को पैक करके इन कंटेनर में रख देती हूँ। वही मैं इनको ये काम डिवाइड कर लेती हूँ, सॉरी मटेरियल से डिवाइड कर लेती हूँ कि क्या मटेरियल किस में रखना है और क्या किस में नहीं रखना है। इसमें क्या ढूंढने में आसानी होती है, और जब हम सामान हमको निकालना पड़ता है जब प्रॉब्लम की नहीं होती। तो ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, क्लिप बहुत बढ़िया है, इन क्लिप की मदद से ना पैकेट बहुत अच्छे से पैक हो जाते हैं, एयर भी नहीं जाती है। और क्या अब रबड़ वगैरह है नहीं है, इसलिए मैंने ना पैकेट, मैंने डीमार्ट से पैकेट लिए, तो बहुत पहले पैकेट लिया था वो क्लिप का डीमार्ट से, मुझे प्राइस याद नहीं, पर वो क्लिप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, 12-13 आए थे कुछ तो मेरे यहाँ वहाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा मेरे पैकेटों में लगे हुए हैं। तो वही मैं सामान को अलग अलग रख लेती हूँ, क्या काम समझ में नहीं आ रहा, इतना फैला है, कहाँ से स्टार्ट करो कहाँ से नहीं करो, तो जहाँ समझ में आते जा रहा है मैं वहाँ से करते जा रही हूँ। किचन में ना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजर भी रहते हैं, उसमें मैं छोटे छोटे मटेरियल रख लेती हूँ, जैसे कि हमारे मसाले के पैकेट रख रहते हैं वो रख लेती हूँ, क्या उसमें समझ में आ जाता है कौन सा पैकेट है, मतलब कौन सा मसाला है क्या है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सामान था तो उसको ना मैंने एडजस्ट कर लिया, और बहुत मटेरियल निकाल लिया साफ करने के लिए, क्योंकि ग्लास के जो कंटेनर है वो मैंने अभी तक नहीं क्लीन किए हैं, तो आज मैं उन्हीं को क्लीन करूँगी, उनको ही खाली कर लूँगी। ये सब सामान तो मैंने क्या कल कर लिया था, बहुत सा काम मैंने एक दिन पहले कर लिया, बट मैं उसको सूट नहीं कर पाई क्योंकि इतना ध्यान ही नहीं दिया, और फिर बाद में टाइम नहीं था यार क्या क्या करती, इस कारण से मैंने इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर ये जो मटेरियल रखा था पन्नियों में, जो ये कंटेनर मैंने धुल दिए थे, तो मैं उनमें इनका सामान रख देती हूँ। सभी लोगों के यहाँ दिवाली की साफ सफाई चल रही होगी, सभी लोग बिजी होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ यार इस बार, क्या थोड़ा सा घर है ना ख़राब हो रहा था, तो हम लोगों ने इस बार पेंट करने का सोचा है, भी नीचे का तो हो गया है किचन, अभी ऊपर के जो रूम है हमारे हमको उनको भी करना है, हो सकता है तो मैं उनको भी सूट करने की कोशिश करूँगी, थोड़ा सा ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी, अगर नहीं हो पाया तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम रहता है ना, तो फिर वो स्टैंड वगैरह का नहीं हो पाता इस कारण से। और मेरे जो भी कांच के बर्तन है मैंने उन सबको खाली कर रही हूँ, कल मतलब खाली करते भी जा रही हूँ, खाली कर भी लिया है, और उनको मैं सबको निकाल लेती हूँ, और फिर मैं एक छोटी सी बकेट में रख लूँगी ताकि प्रॉब्लम ना हो, जब मैं उन बर्तनों को क्लीन करूँ तब मुझे इकट्ठे सारे बर्तन मिल जाए। मैंने इस बकेट में सामान रख लेती हूँ जो धुलना है, मैं ना परसों से कुछ ना कुछ बर्तन धुलते ही जा रही हूँ, बट फिर भी मतलब बर्तन ना निकलते ही जा रहे हैं। छोटी छोटी कटोरियों में सामान रख लेती हूँ, बर्तन अरे ये सब तो मैं धुलती रहती हूँ, मुझे टाइम मिल जाता है, कुछ बर्तन धुल रही हूँ ये दिख गए हैं तो मैं धुल लेती हूँ, पर फिर भी अभी अब सारे बर्तन साफ कर रहे हैं तो मैंने सोचा इनको भी साफ कर ही लेते हैं, और क्या धूप में भी थोड़ा सा जो हमारा सामान रहता है उनको हम फैला देंगे। मुझे कांच के बर्तन मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, मेरे पास ज़्यादातर मटेरियल कांच का है, मुझे कांच का बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं कांच की चीज़ें लेती हूँ, जैसे अभी मैंने बीच में बहुत कुछ लेना कम भी कर दिया क्योंकि मैं खाली नहीं बनाती थी, तो मुझे लगता था आंटी बना रही है क्या मतलब इस कारण से, बट मैं अब फिर से बनाने लगी हूँ ना तो सब कांच की लूँगी, तो नहीं काफ़ी ज़्यादा है कंटेनर, मुझे कांच का बहुत ज़्यादा पसंद है।
मतलब मसाले दानी में मसाले वगैरह नहीं रखती हूँ, मेरे पास टाइप के कंटेनर है तो उनमें रखती हूँ। तो मेरे बर्तन भी खाली होते जा रहे हैं और अब मैं इनको रख दूँगी साफ़ होने के लिए, फिर मैं उनको साफ़ करूँगी। बर्तन भी रख दिए क्लीन होने के लिए, फिर इसके बाद मेरे को यहाँ अलमारी में साफ़ करना है, कुछ कंटेनर वगैरह जमाना है और कुछ नीचे क्लॉथ जमाना है। हमारे यहाँ ना नॉन वूवन बहुत सारे क्लॉथ डले रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं पेपर की जगह उनको बिछा लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं और अच्छे से बिछे रहते हैं। मेरे को ज़रा सब्ज़ी बनाना था, वो भी बन गई है और इसके बाद मैं बर्तन सारे साफ़ कर लेती हूँ, जो भी कंटेनर हैं और कुछ घर की प्लेट्स वगैरह, घर के कुछ भी बर्तन हैं सारे मैं फटाफट साफ़ कर लेती हूँ, फिर इनको मैं बाहर फैला दूँगी। ऐसे ही बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मेरी दिवाली की साफ़ सफाई में, और किस किस के घर साफ़ सफाई होने लगी ये भी बताइएगा, कौन कौन करता है कौन कौन नहीं करता है। ओके, मिलते हैं आगे। Pardon me, why don't you come over here? I need to ask you something quickly, my dear. Why do you always settle for something less? You know that, baby, you deserve it. Should be fighting over you. No second guessing what I'm saying. Baby, you can take this to the bank and make it sweet. You're like a woman ripped right out of my dreams. Yeah, yeah. Go take a look up in the mirror. You gotta see a little clearer. Who's that woman looking right back? And she's a beauty queen, bad dad. You ain't nobody's number two. These men, they should be fighting over you. No second guessing what I'm saying. Baby, you can take this to the bank and make it sweet.
तो फाइनली ऊपर के कंटेनर तो मेरे जम गए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं मुझे देखने में। और अब मैं जमा रही हूँ ऊपर के कंटेनर, बहुत ज़्यादा ही स्पेस हो गया क्योंकि इनमें बहुत सारे कंटेनर अलग कर दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया है। तो अब काफ़ी अच्छे से मैं इन सबको अच्छे से जमा सकती हूँ, सारे क्लीन भी दिखेंगे और देखने में बहुत सुंदर दिखेंगे। जो सामान मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती उसको मैं पीछे कर देती हूँ, और जो मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसको मैं आगे रख लेती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा एक से बर्तन रखना, कंटेनर सारे। लेकिन कभी क्या है साथ में नहीं लेते तो हो नहीं पाता, फिर भी मेरे पास काफ़ी एक से हैं, यानी कि कलर में कुछ ग्लास में सारा सामान है। इसके बाद अब मैं नीचे का कर लेती हूँ। अभी सामान भी बहुत ज़्यादा खाली है, उनको भी सारे कंटेनर में सामान भरना है। इसके बाद में हो जाएगा पूरा कंप्लीट। और कुछ मसाले वगैरह हैं जिनको मैंने एक कंटेनर, मतलब कंटेनर है मेरे पास छोटे छोटे, उनमें मैं सारे मसाले भर के रख दूँगी ताकि मुझे ना निकालने में आसानी होती है। मैं अलग अलग उसमें रख देती हूँ, मुझे पता रहता है इसमें क्या है, किस टाइप के है। इस टाइप के कंटेनर में मैं पैकेटों को रख देती हूँ, तो मैं एक एक दो दो कंटेनर उठाती हूँ, मेरा इसमें काम बन जाता है। Pardon me, why don't you come over here? I need to ask you something quickly, my dear. Why do you always settle for something less? You know that, baby, you deserve it the best. Should be fighting over you. No second guessing what I'm saying. Baby, you can take this to the bank and make it sweet. Don't even
गाइस अब हुई हूँ मैं फ्री नहाकर और आप लोग मेरे को टाइम हो चुका है 8 बज चुके हैं सुबह 8:30 की लगी लगी मैं अब फ्री हुई हूँ। अब दिवाली का काम तो ऐसे ही चलता रहता है और बहुत तेज लगी है भूख। अब देखते हैं नीचे जाके खाना भी बनाते हैं और फिर खाते हैं। तो कुछ इस टाइप का लुक देती है मेरी किचन। एंड अरे ऊपर से कुछ कंटेनर का ढक्कन ही नहीं लगा है, भूल गई होंगी शायद, और कुछ जगह खाली है वहाँ पर और कुछ सामान रखना है। बट किचन हो चुकी है हमारी कंप्लीट। थोड़ा बहुत सामान है वो तो दिवाली तक चलता ही रहेगा। और ये नीचे का एरिया है, यहाँ पर मैं मेरे मसाले वगैरह रखती हूँ। यहाँ मिक्सी रखी हुई है, ऑयल का है कंटेनर, इस ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छे तरीके से मेरे सारे मसाले और इस ऑर्गेनाइजर में तेल और खड़ा पत्ता और मिर्ची रखा जाती हूँ। यहाँ पर बन रहा है खाना, यहाँ पर कुछ बॉटलें वगैरह रख लेते हैं। और ये पूरा हो चुका है क्लीन, बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। और ये है मेरा बर्तन स्टैंड, ये है मेरा प्यारा सा किचन। अभी जब तक दिवाली नहीं आएगी कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होता ही रहेगा। अभी तो और भी कुछ सफाई करना है। एंड आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय।